हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रवि और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किसी नंबर का रूट कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, तो रूट निकाल के दो प्रोसेस होते हैं, एक गुणनखंड विधि होती है और दूसरी क्या होती है, एक भाग विधि होती है। तो हम इस वीडियो में गुणनखंड विधि से देखेंगे कि कैसे हम रूट निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सिक्स ट्वेंटी फाइव है, ठीक है, पहला क्वेश्चन 625 है, तो हम इसका गुणनखंड विधि से रूट निकालेंगे। तो कभी भी अगर हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट के से करते हैं। सबसे छोटा क्या होता है हमारा, दो होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा तीन होता है, उसके बाद जो होता है वो चार होता है। लेकिन कभी भी गुणनखंड करने के लिए हम असम संख्याओं का यूज करते हैं। असम संख्याएं क्या होती हैं, एक दो भी एक असम संख्या है, क्योंकि एक जो है, एक तो सम असम है ही, लेकिन दो है वो भी एक असम है, क्योंकि वो एक के अलावा और किसी दूसरे नंबर से नहीं कट सकता है। आप काट के देख सकते हैं, जो दो है वो या तो खुद से कट सकता है या फिर एक से कट सकता है। एक से तो सभी नंबर्स कट जाते हैं, लेकिन दो जो है वो भी एक असम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम जब भी गुणनखंड करते हैं तो असम संख्याओं से ही करते हैं, सम संख्याएं उसमें यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या यूज करेंगे, दो या फिर तीन, फिर उसके बाद पांच, सात, नौ, ऐसे ही संख्याओं का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो से करेंगे, दो से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में फाइव है। तीन से करें, तीन से भी नहीं होगा, चार से होगा नहीं, पांच से करेंगे। ठीक है, तो पांच से करेंगे, तो पांच से करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, फाइव वन जा फाइव, एक बचा फाइव, टू जा टेन, दो बचा फाइव, फाइव जा ट्वेंटी फाइव। ठीक है, तो फिर से पांच से काटेंगे, फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव, फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फिर से पांच से काटेंगे, पांच बचेगा, फिर से पांच से काटेंगे तो एक बचेगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, सिक्स ट्वेंटी फाइव का गुणनखंड फाइव 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 फाइव, मतलब फोर टाइम्स फाइव आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव। ठीक है, तो कभी भी रूट के अंदर ये सभी चीजें ऐसी लिखी हो, ऐसी लिखी हो, तो उसको हम दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम एक एक संख्या ही यूज करते हैं। तो ये दो का जोड़ा है, तो इसमें से बस हम पांच लिखेंगे। ठीक है, और ये दूसरा क्या है, ये भी पांच है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके पांच लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। फाइव फाइव से कितना होता है, 25, तो 25 का जो स्क्वायर डिजिट होता है वो 625 होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, ये 25 होगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है फोर रूट 400 है। ठीक है, तो इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे, 400। तो इसको हम पहले दो से काटेंगे, 2 2 4 200 हो जाएगा, फिर से दो से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर से दो से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर से दो से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब दो से तो कटेगा नहीं, ये इसको पांच से काटेंगे, 5 5 हो जाएगा, फिर से 5 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या होगा इसका गुणनखंड, 2 2 2 एंड 5 5। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5। ठीक है, तो ये लिखेंगे, इसमें हम जोड़ा बना लेंगे। हम यहाँ पर भी जोड़ा बना सकते हैं या फिर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके उसके अंदर भी जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से अगर हम बना लेते हैं तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, तो मतलब क्या होगा, 2 into 2 into 5। ठीक है, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर क्या है, 20। तो 20 का जो स्क्वायर डिजिट होता है वो 400 होता है। तो ठीक है, तो इसी तरह से हम लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर कर लेंगे, वैसे ही जैसे इन दोनों का हमने निकाला है, उसका भी हम गुणनखंड पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर दो दो का जोड़ा बना लेंगे और जो आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में जो आता है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं। 289, ठीक है, तो ये हमारा दो से कटेगा,
दो से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, तीन से भी नहीं कटेगा, चार से तो काट नहीं सकते, पांच से भी नहीं कटेगा, छह से भी नहीं काट सकते, सात से कटेगा, सात से भी नहीं कटेगा, आठ से कटेगा, आठ से काट नहीं सकते, नौ से कटेगा, नौ से भी नहीं कटेगा, दस से काट नहीं सकते, ग्यारह से कटेगा, ग्यारह से भी नहीं कटेगा, बारह से काट नहीं सकते, तेरह से कटेगा, तेरह से भी नहीं कटेगा, चौदह से कटेगा, चौदह से काट नहीं सकते, पंद्रह से कटेगा, पंद्रह से भी नहीं कटेगा, सोलह से कटे, सोलह से काट नहीं सकते हैं, सत्रह से कटेगा, सत्रह से काट के देखते हैं, सेवनटीन, ठीक है। तो सेवनटीन का अगर दो बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 34 हो जाएगा, 34 28 से ज़्यादा हो गया, तो फिर हम एक ही बार कराएंगे, कितना बचेगा हमारा, इसमें 17 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा और ये 11 बचेगा, ठीक है, तो ये 119 हो जाएगा। तो 17 का कितनी बार हम टेबल पढ़ें कि 119 हो जाए, तो वो ये 7 बार पढ़ेंगे, तो 17 7 से कितना होता है 119, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 17 से मल्टीप्लाई, 17 से हम कर देंगे डिवाइड, तो ये एक बार जाएगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर, वो ओनली 17 होगा, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 289 कितने का स्क्वायर डिजिट है, वो 17 का, ठीक है, 17 का हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 289 आएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर डिजिट निकाल सकते हैं, जो भी रूट के अंदर है तो उसका रूट निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, थैंक यू।